ओम शांति। आज आप सभी को ब्रह्मा बाप की पुण्यतिथि की समय पर शांति वन की नज़ारा कितनी खूबसूरत होती है, कितनी सुंदर होती है। हम सभी बाप दादा समान बनने के साथ साथ अपना आप को बाप दादा की कर्मभूमि में रहने के साथ साथ अपना आप को एक आत्मा समझकर ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और उसी के साथ साथ 18 जनवरी पर किस तरह सजावट की जाती है आज आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। ओम शांति। कितनी सुंदर नज़ारा। दादी जानकी जी की शक्ति स्तंभ से हम शुरू करेंगे, फिर बाबा का कमरा है, तपस्या धाम है और अव्यक्त लोक है, अभी बन रहा है, और उसके साथ डायमंड हॉल भी है। दादी जी का अव्यक्त लोक ये देख सकते हो। कितने अच्छी सजाया गया देख सकते हो तपस्या धाम को, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छी नज़ारा। कितना अच्छा नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है, सजावट दबा के जाती कितना अच्छी नज़ारा बाप दादा की तपस्या धाम।
दादी जी का अव्यक्त कलोल, ये देख सकते हो। अभी हम सभी बाबा कमरे की तरह जाएंगे। चलिए बाप दादा की कमरे। डायमंड हॉल, बाप दादा की स्टेज, ये देख सकते हो मनमोहिनी की बाबा का कमरा, बहुत सुंदर लग रहा है। कितने अच्छी तरह नीचे सजाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर नज़ारा, बाप दादा की कमरा। बाहर की नज़ारा देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। आनंद सरोवर की बाबा का कमरा देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर बाबा का कमरा। ओम शांति। आज आप सभी को मनमोहिनी के अंदर ब्रह्मा बाबा की जो 18 जनवरी के निमित्त जो भाई बहन यहाँ बैठकर योग करते थे और बाबा की तस्वीर भी लगी है, बाबा की हिस्ट्री जो पुराने हिस्ट्री है उसका भी फ़ोटो लगी है, आप सभी को लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ।
ये देख सकते हो कितना सुंदर नज़ारा है। ये ब्रह्मा बाबा की पूरी हिस्ट्री का फोटो है। कितनी अच्छी नज़ारा। रात्रि के समय कितना अच्छा लगता है। दादी जी की समाधि, चांगला।